सभी लिविंग बींग्स को 5 किंगडम में बांटा गया है। अर्थ पर 7.5 मिलियन एनिमल्स की प्रजाति पाई जाती है। इनको 30 फाइला में बांटा गया है। इनमें से 9 बहुत कॉमन है, पोरीफेरा, एनेलिडा, प्लेटेहेल्मिंथीज, नेमेटोडा, मोलस्का, नाइडेरिया, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के सभी जीवों में वर्टिब्रा पाई जाती है। सभी कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट नहीं कहते हैं, परंतु सभी वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट कह सकते हैं। वर्टिब्रेट्स की बहुत सी क्लासेस होती हैं, परंतु हम 5 महत्वपूर्ण क्लास को पढ़ते हैं, फिशेस, एवीज, एम्फीबियंस, मैमल्स तथा रेप्टाइल्स। इन सभी क्लास के स्पेशल स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। मैमल्स में फर तथा हेयर का पाया जाना तथा इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जो अपने नवजात शिशु को स्वयं पोषण कराती है। यह अपने शरीर का तापमान भी नियमित कर सकते हैं। रेप्टाइल्स की स्केली स्किन, यह रैंकर चलते हैं, इनमें 3 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन के तौर पर इसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। स्नेक, लिजार्ड, टर्टल, एलिगेटर, ये सभी रेप्टाइल्स के उदाहरण है। एम्फीबियंस, इन्हें हम उभयचर भी कहते हैं, क्योंकि ये जल तथा स्थल दोनों पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये अपने जीवन की स्टार्टिंग जल में करते हैं तथा जल में गिल्स के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करते हैं तथा बड़े होकर ये स्थल पर रहते हैं तथा लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग, टॉड्स, सेलामेंडर इसके उदाहरण हैं। एवीज का शरीर खोखला होता है तथा इनमें तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें पंख पाए जाते हैं, इनके पंख इन्हें उड़ने में सहायता प्रदान कराते हैं। ऑर्थोपोडा में बाहरी स्केलेटन काइटिन से निर्मित होता है। इसमें जॉइंटेड लेग होते हैं। इनका शरीर 3 भागों, हेड, नेक, एब्डोमेन में बटा हुआ होता है।